नमस्कार दोस्तों, चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। डीडी फील्ड्स के दर्शकों के लिए इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं, इस वक्त की गुड न्यूज बता रहे हैं कि प्रसार भारती की तरफ से एमपीजी 2 बॉक्स के लिए 81 ऑक्शन की ऑफिशियल घोषणा कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 81 ऑक्शन प्रसार भारती की तरफ से कब किया जाएगा, कितने स्लॉट के लिए किया जाएगा, कौन से चैनल इस बार के ऑक्शन में आ सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दें कि प्रसार भारती ने स्लॉट के प्राइस को भी कम किया है। तो कितना प्राइस है, लास्ट डेट कब है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप सभी लोगों को डीडी फील्ड्स की अपडेट सबसे पहले हमारी वीडियो के द्वारा मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रसार भारती की तरफ से 81 ऑक्शन की ऑफिशियल घोषणा कर दिया गया है और 81 ऑक्शन एमपीजी 2 बॉक्स के लिए किया जाएगा। आपको बता दें कि एमपीजी 2 बॉक्स में अभी 3 स्लॉट खाली हैं और प्रसार भारती की तरफ से इन्हीं तीनों स्लॉट के लिए 81 ऑक्शन किया जाएगा। दोस्तों, पिछले 3 ऑक्शन प्रसार भारती की तरफ से किए गए लेकिन कोई भी चैनल पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसकी वजह से लगातार 3 ऑक्शन फेल हुए और इसी वजह से प्रसार भारती ने स्लॉट के प्राइस को कम किया है। और जो 81 ऑक्शन किया जा रहा है वो 3 स्लॉट के लिए किया जाएगा और इनका प्राइस कम है, जिससे कि संभावना है कि यहाँ पे आपको पसंदीदा चैनल, अच्छे चैनल, बड़े ब्रॉडकास्टर के चैनल भी देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि 81 ऑक्शन 28 अगस्त के दिन किया जाएगा और यहाँ पे जो भी चैनल स्लॉट जीतेगा 5 सितंबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक डीडी फील्ड्स के एमपीजी 2 बॉक्स में मौजूद रहेगा। अब लास्ट डेट की बात करते हैं कि 81 ऑक्शन में जो भी चैनल पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपने फार्म को प्रसार भारती के पास कब तक सबमिट कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि 27 अगस्त को दोपहर में 3 बजे तक अपने फार्म को प्रसार भारती के पास सबमिट करना पड़ेगा, तभी वो चैनल 81 ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्लॉट की प्राइस क्या है। जी हाँ दोस्तों, लगातार ऑक्शन फेल हो रहा था जिसकी वजह से प्रसार भारती ने स्लॉट के प्राइस को कम किया है। बकेट ए प्लस की बात करते हैं तो बकेट ए प्लस के लिए प्रसार भारती ने जो प्राइस रखा है वो है 12,10,96,000 रुपए है। बात करते हैं राउंड 2 की, तो राउंड 2 बकेट सी के लिए किया जाएगा जिसका जो स्लॉट प्राइस है वो 10,79,90,000 रुपए है। बात करते हैं राउंड 3 की, राउंड 3 बकेट ए के लिए किया जाएगा। स्लॉट के प्राइस की बात करते हैं तो स्लॉट का प्राइस है 10,42,85,000 रुपए है। राउंड 4 की बात करते हैं, राउंड 4 बकेट डी के लिए किया जाएगा और इसमें जो स्लॉट का प्राइस है वो 10,31,46,000 रुपए है। बात करते हैं राउंड 6 की, राउंड 6 बकेट बी के लिए किया जाएगा, स्लॉट प्राइस है 10,25,76,000 रुपये। बात करते हैं राउंड 6 की, तो राउंड 6 बकेट R1 के लिए किया जाएगा जिसका स्लॉट प्राइस है 7,57,92,000 रुपये है। तो इस प्रकार प्रसार भारती ने स्लॉट के प्राइस को कम किया है, जिसकी वजह से 81 ऑक्शन की पूरी संभावना है कि यहां पे अधिकतर चैनल पार्टिसिपेट करेंगे और स्लॉट जीतकर डीडी फील्ड्स के एमपीजी 2 बॉक्स में लॉन्च किए जाएंगे। सो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।